हाय दोस्तों, आज ये देखिए इस पाइप को कैसे रिपेयर करेंगे। तो बिजली वाले ने बक्सा काटा अपना, ये देखिए बिजली वाले ने हमारा पाइप प्लम्बर का काट दिया है। देखिए आज हम इसको कैसे ठीक करते हैं। ये बक्सा तो हम निकाल दिए देंगे अभी हाल फिलहाल के लिए, अपना बिजली वाला फिर से लगा लेगा। ये तो बक्सा निकाल दिए, इस बक्से को हमने ये निकाल दिया अभी के लिए। आज हम इसको ठीक करते हैं, ये गली से काट दिए हैं, सही से नहीं कर रखा था। इसको काट दिए दो सारे डब्बे हैं इसमें, इसको काट के साथ ये वाला पाइप भी पंचर कर रखा था। ये बिजली वाले जुड़ा हुआ जरा सा जोड़ रखा था भाई, इसमें सॉकेट वॉकेट ना घुसी हुई है। ये देख सकते हैं आप, जरा सा केवल है वो, ये देख लीजिए वो जरा सा जुड़ा हुआ है केवल इस पर, जरा सा। तो आज देखिए हम इसको कैसे जोड़ते हैं। सर्वप्रथम ठीक है, जैसे हम इसको कैसे जोड़ते हैं। ओके जी, डाल दिए इसको, पहले तो बराबर कर लेते पाइप कटिंग पर। बराबर कर लो और थोड़ा सा काट देते हैं। क्योंकि ये इधर से इधर का रखा है ना, तो पता नहीं क्या लगा रखा है इस पर। चलिए जोड़ते हैं इसको हम। जोड़ते आज हम इसको, सॉकेट हमारी लग गई, अब देख सकते हैं अभी हमारा ये बन जाएगा थोड़ा सा। अब उसको थोड़ा सा काट देते हैं, ये पाइप को इतना बढ़ेगा हमारा उसने के बाद।
डबल सर्किट यानी कैसे डालेंगे पाइप टूट जाए तो। आज देखिएगा हम कैसे डालते हैं। ये देखिए अब ये हमारा हो गया, ये फिट हो गया, ये हमारा घुस गया। अब ये इस जॉइंट को कैसे हम जोड़ेंगे, इस जॉइंट को देखिएगा। इसके लिए हमने ये सॉकेट बना रखी है, आप देखिए इसमें इस सॉकेट में इस सॉकेट के देखिए ये वाली सॉकेट को और ये वाली सॉकेट को, दो में से एक में आपको कोई अंतर तो नज़र आ ही रहा होगा। यहाँ क्या अंतर है इस सॉकेट में, यानी इस सॉकेट में जो बीच की ठेरी होती है ये है और इस सॉकेट में बीच की ठेरी नहीं है, ये हमने रेग माल से रगड़ दी है, इसकी बीच की ठेरी ख़त्म कर दी है। तो अब हम इसको यहाँ पे डालेंगे तो प्रॉपर जॉइंट आएगा हमारा, इसको हम यहाँ पे डालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे निशान मार लेंगे कि हाँ हमको यहाँ पे इतना ही मतलब इतने से ज़्यादा पाइप नहीं करना है अधिक। तो इसके लिए हम नाप के एक तो सर खुद ही से वीडियो बनाए खुद ही से वो करो तो फिर दिक्कत होती है थोड़ा सा। ये मैं नाप लिया, 11 पे आ रहा है, 11 पे निशान लगा लेता हूँ, 11 पे निशान लगा लेता हूँ कि हमको यहाँ तक ही चढ़ाना है इसको, बस 11 के आगे नहीं तो प्रॉपर सॉकेट का जॉइंट रहेगा। ये 11 पे चढ़ा दिया इधर। तो देखिए एक चीज़ और खास करके और ध्यान रखिएगा, ये हमारा पाइप नहीं हिल रहा है तो हम इसमें सॉकेट पहले इस पे चढ़ाएंगे, इस वाले पाइप पे चढ़ाएंगे, फिर ये हमारा पाइप तो इधर आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा बड़ा, तो हम इसको लूज करके इधर चढ़ा देंगे फिर इसको इधर कर देंगे। तो सेम ऐसी प्रक्रिया होगी, देखना अभी। इसके लिए हमें चाहिए ये हमारी आ गई सॉकेट। ये सही है और अब इसको हम क्लास की सहायता से ऐसे चढ़ा देंगे, बस ये हमारा जॉइंट परफेक्ट लग गया और ऐसे सोलमेंट कर देंगे इसमें। ये वाली हमारी लाइन, ये लाइन हमारी परफेक्ट जुड़ चुकी है। अब ये लाइन हमारी ऊपर वाली परफेक्ट बिल्कुल जुड़ चुकी है। अब हमें ऐसा ही सेम प्रक्रिया नीचे वाली लाइन में भी करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे खांचा मार रखा था, ये 11 दिख भी रहा होगा आपको, ये 1 दिख रहा है और ये खांचा भी मार रखा है, तक ही सॉकेट है हमारा, यानी ये दोनों बराबर जोड़ फिट लगे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, यही प्रक्रिया सेम इसमें भी करनी है। तो पहले तो कर लेते हो, देखिएगा
इसके लिए हमें इस पाइप को काटना पड़ेगा। इसके लिए इस पाइप को हम कहाँ से कहाँ तक निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सके डाल देते हैं, इसको काटना भी पड़ेगा। हो गया इसके साइज का हम इसको भी देखिए ध्यान से, इसको भी ऐसे ही हम करेंगे, सेम प्रक्रिया इस वाले भी पाइप में भी रहेगी हमारी। पहले हम सॉकेट डाल लेते हैं इस पर, इस पर सॉकेट डल गई दोस्तों, और इस पाइप को करेंगे, हमने सॉकेट डाल दी है इस पर। अब हमें इसको ऐसे डालना है इस पाइप पे अंदर, ठीक है। अब हम इसको डाल देते हैं, देखते जाइए आप बस कैसे काम करते हैं। अब देखिएगा ये हमारा पाइप पड़ गया। अब यहाँ पे सॉकेट कैसे डालेंगे, इसके लिए भी हमने वही कर रखा है। ये देखिए, ये सॉकेट में बीच में ठेरी बनी हुई है इस पर, नहीं हाँ इस पर ठेरी बनी हुई है, इस पर ठेरी बनी हुई है, और ये हमने सॉकेट पहले से रेगमाल से सही से अच्छी तरीके से रगड़ के बना लिया, इस पर कोई ठेरी नहीं है। तो इसको भी हम ऐसी ही सेम प्रक्रिया करेंगे। दिख रहा है ना, हाँ ये दिख रहा है, इसके लिए भी सेम है। पहले मिसाल मारना पड़ा, पहले मिसाल मार लेते यहाँ पे, हमने निशान लगा लिया कि हमें इतना ही चढ़ाना है, यही तक चढ़ाना है। ओके हो गया।
ये भी हमारा परफेक्ट जॉइंट लग गया है। ये अब सॉल्वेंट डाल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अब यहाँ पे कभी भी लीक नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट जॉइंट लगे। अब ये हम बिजली के बक्से यहीं पे लगा देते हैं। एकदम ले भाई, ये बिजली वाले का बक्सा लगा दिए, ऐसे रख दिए बस। ये भाई तेरा बक्सा रख दिया। तो भाई हाँ, ज़्यादा ज़्यादा हमें तोड़ फोड़ भी नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी मात्र एक फुट में की झिरी तोड़ के, एक फुट झिरी तोड़ के आराम से दोनों पाइप अच्छे से बढ़िया हमने जॉइंट कर दिए। तो ऐसे ही वीडियो की जानकारी लेने के लिए हमारे पेज को फॉलो और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।